होता है एक इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर वो होता है जिसका जिगर उसके पैसों से ज़्यादा बड़ा होता है। जहाँ लोगों की फट जाती है स्टॉक प्राइस के नीचे जाते ही, वहाँ वो बोलता है डेट आई विल होल्ड इट, क्योंकि उसको अपने फंडामेंटल्स पे इतना यकीन होता है कि जहाँ मार्केट बंद होने के बाद लोग प्रॉफिट की खुशी में पार्टी करने चले जाते हैं, वहाँ एक रियल इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज बना रहा होता है अपने अगले गोल्स के लिए, अपने अगले दिन के लिए। उसको रियलिटी बनाना होगा जहाँ लोग देख के ही कहेंगे ये तो साला हो ही नहीं सकता, ये तो साला पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ वो इन्वेस्टर बोलेगा डैट आई विल मेक इट पॉसिबल। हमेशा भूखा, स्टॉक मार्केट की दुनिया को बदलने के लिए बेसब्र। जहाँ दुनिया अपने होम्स, कार एंड आईफोन्स की EMI भर के परेशान होगी, वो अगले IPO के लिए पैसा जोड़ रहा होगा। स्टॉक खरीदने के लिए बेसब्र, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भूखा। राकेश झुनझुनवाला, निमिष शाह, इन सब को पता था कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआ है जो पूरे देश की पैसों की भूख को मिटा सकता है। ये कार देख रहे हो, ये बाइक, ये घर देख रहे हो, आजकल लोग जहाँ 1-2 लाख रुपए की बाइक लेकर खुद पर घमंड करने लगते हैं और लोगों पर धौंस जमाने लगते हैं, इस घर की कीमत, इस कार की कीमत, इस घर की कीमत 2 करोड़ है, कार की कीमत 4 है। डेट वेरी सुन आई एम गोना ओन दिस कार। कैसे होगा मुझे नहीं पता, होगा पर यकीन रखो जी। हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, मंजिल बस थोड़ी ही दूर है। इसी के साथ कैफ खान साइनिंग ऑफ़।